तो बिंदु ब्लॉग ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, देखिए आज हम अपने खेत में सीताफल लेने आए हैं। हम सीताफल को ढूंढ रहे हैं। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, एक यहाँ पे सीताफल है, ये छोटा है, बहुत सारे लगे हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। और ये देखिए हमने इसको बाड़ बना के बांध रखा है, नहीं तो जानवर आके खा जाते हैं। तो मुझे एक ये बड़ा सीताफल लग रहा है, ये देखिए। अब हम इसको ले चल रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, तो हम इसी की सब्जी बनाएंगे और ले चल रहे हैं। देखिए हमारे हाथ में चक्कू है, हम इसको काट रहे हैं। ये देखिए हमारा सीताफल कट गया, जिसे कद्दू बोलते हैं, तो हम इसको ले जाएंगे। और ये देखिए इसके पत्ते कितने सुंदर लगते हैं। ये देखिए एक कद्दू का बच्चा है, और हम आपको कद्दू का फूल भी दिखा रहे हैं। ये देखिए ये कद्दू का फूल आया हुआ है, ऐसे पीला पीला कद्दू का फूल होता है दोस्तों। तो हम चल रहे हैं अपने घर, सीताफल लेके चल रहे हैं दोस्तों। देखिए कितनी मुश्किल होती है जानवरों से पौधे को बचाना, नहीं तो जानवर आके खा जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, उसकी सब्जी बनाएंगे। ये देखिए हमारा खेत, हमने इतने में सीताफल लगाया हुआ है। एक सीताफल इधर खराब गया जो पक गया है, ये देखिए इधर एक छोटा सा लगा हुआ है। कैसे कई सारे आए हैं लेकिन अभी बच्चा है, कद्दू का बच्चा है। ये थोड़ा बड़ा था, हमने इसको तोड़ लिया। दोस्तों आप हमारी वीडियो में बने रहिए, हम कद्दू के रेसिपी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए हम अपने घर आ गए हैं, अपने किचन गार्डन में आ गए हैं। तो हम देखिए सीताफल को काट लिए हैं, आलू भी छील लिए हैं, आपको प्याज भी भुनी होगी, टमाटर हैं और लहसुन को भी छील लिए हैं, हरी मिर्च रखे हैं, हमने मसाला भी रखा है, और इधर हमने छोले रखा है। तो दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं कद्दू आलू और छोला की सब्जी, यानी चना की सब्जी, तीनों मिक्स करके बनाएंगे। दोस्तों आप हमारी वीडियो में लगे रहिए। हम देखिए पाया जाता है दोस्तों, जो आँख के लिए बहुत अच्छा होता है। आप हमारी वीडियो में बने रहिए, अभी हम दिखाते हैं कैसे बनाते हैं सब्जी। ये देखिए हम दोबारा से धोने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों हमारी सब्जी कटकर धुल गई, और इधर हमने प्याज लहसुन और हरी मिर्ची भी धो लिया है। देखिए हमारी सब्जी धुल गई है, अब हम इसका पानी वेस्ट नहीं करेंगे, अपने किचन गार्डन में अपने क्यारी में डाल देंगे। अब हम गैस को जलाएंगे दोस्तों। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक हम प्याज को काट लेते हैं। इससे सब्जी देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्टी भी बनती है दोस्तों। देखिए जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक हमारी प्याज और मिर्ची भी कट गई। हम इसमें डालेंगे अब तेल। तेल डाल रहे हैं, सरसों का तेल से हम बना रहे हैं दोस्तों। सरसों के तेल में सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, पूरे भंडारा वाली सब्जी बना रहे हैं, खाने में हलवाई जैसे स्वाद आएगा दोस्तों, बहुत अच्छी लगेगी। तो हम इसमें डालेंगे देखिए जीरा, मेथी और दालचीनी और तेजपत्ता डालने जा रहे हैं दोस्तों। आप जीरा चाहे मत डालिए लेकिन मेथी का तड़का जरूर लगाइए, मेथी का तड़का लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों, स्वाद बहुत अच्छा आता है। हमारी मेथी चटक गई है, हो गई है। अब हम इसमें प्याज, हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे, हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। जब तक हमारी प्याज लहसुन और हरी मिर्ची हो रही है तब तक हम टमाटर को काट ले रहे हैं दोस्तों। हमें इसको जोर ज़्यादा नहीं जलाना है दोस्तों, लेकिन ये ब्राउन होने तक इसको हम ऐसे गैस पर होने देंगे दोस्तों। हमने मीडियम साइज का 3 टमाटर ले रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, और इधर हमने
आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच छोटी एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले रखा है दोस्तों। मैं जिस तरह बना रही हूँ कोई झंझट नहीं है दोस्तों, ना मिक्सी करना हो गई है, हम इसमें डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं टमाटर। और इसी में हम ये अपना मसाला डाल दे रहे हैं, हल्दी धनिया मिर्ची और गरम मसाला। देखो थोड़ा सा हमने इसको तेल में मसाले को भून लिया, अब इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे दोस्तों, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही पानी डालिए ताकि मसाला जलने ना पाए। और हम देखिए कसूरी मेथी रखे हैं, इसको भी हम बाद में डालेंगे, सब्जी हो जाएगी तब डालेंगे, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो जब तक हमारा किचन गार्डन में खुले में मैं सब्जी आपको बना रहे थे दिखा रहे, किचन गार्डन में जहाँ पे मैं बनाती हूँ बारिश हो रही है, इस कारण मैं ले जा रही हूँ अपने चूल्हे के पास। ये देखिए जो हमने मिट्टी का चूल्हा बनाया है वहाँ पर हम बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। सब्जी भी लाते हैं, हम चूल्हे को जलाएंगे, उसके के सामान में इस पर बनाएंगे। देखिए हमें सब कुछ आता है, मिट्टी के चूल्हे पे भी खाना बना लेते हैं। हमारे सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। दोस्तों जो मैंने बड़ा बड़ा पीस टमाटर काटा था इसलिए हम इसमें पहले ही नमक को ऐड कर दे रहे हैं, हमें पता है कि कितना नमक हमें डालना है। हम देखिए एक बड़ा चम्मच नमक डाल रहे हैं और एक हाफ चम्मच डाल रहे हैं, अब इससे हमारा टमाटर जल्दी पक जाएगा दोस्तों। देखिए हमारी कढ़ाई मसाला को छोड़ने लगी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने छोले उबाल के रखा था, सफ़ेद वाला छोला है, अगर आप चाहें तो काला वाला भी छोला यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारे बाहर तक हमारी सब्जी से खुशबू जा रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें और सीताफल भी पानी छोड़ता है, कद्दू मतलब, अब हम ढक देंगे इसको, 4-5 मिनट ऐसे पकने देंगे। अब ये दोस्तों हम देखते हैं कि नहीं, अभी हमारी सब्जी नहीं हुई है दोस्तों, अभी हम इसको 2-3 मिनट के लिए और पकने देंगे। ये देखिए बस हम इसमें
धनिया पत्ती ऐड कर दें, बस हमारी सब्जी तैयार हो गई है। धनिया पत्ती ऐड कर दें, सब्जी हमारी होने वाली है दोस्तों। सीताफल, छोले और आलू की सब्जी हमने बनाया, सेम हलवाई जैसे इसका स्वाद होगा दोस्तों। आप भी अपने घर पे ऐसे बनाइए, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो देखिए हम इसमें ये देखिए हमारी सब्जी इतनी अच्छी, इसकी खुशबू आ रही है। हम इसमें देखिए धनिया पत्ती ऐड कर दिए, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों इतनी अच्छी सब्जी, ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छी लग रही दोस्तों देखने में, ये खाने में कितनी अच्छी होगी। हमारी सब्जी तैयार हो गई, ये आप देख रहे होंगे। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक आने वाली अगली वीडियो पहुँचते रहे दोस्तों। धन्यवाद।